हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को कवर किया था, जहां पे हम लोग देखे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मान लीजिए कोई बॉडी है और ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अराउंड अभी कुछ ना कुछ स्पेस है और उस स्पेस की अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट जैसे हम इस बॉडी को चार्ज क्यू देते हैं, तो ये बॉडी अपने अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है और एक नया स्पेस बनाता है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस रीजन यानी इस फील्ड के अंदर कोई एक नया चार्ज आता है तो वो जो चार्ज है वो चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यानी जैसे ही हमने इस बॉडी को चार्ज दिया तो ये अपने अराउंड जो स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया और एक नया रीजन बनाया। उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस नए चार्ज पे फोर्स लगता है, जिसके वजह से वो नया चार्ज में डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वो जो नया चार्ज है वो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जो चार्ज इस फील्ड के अंदर आ रहा है यानी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है इसको डिनोट किया जाता है क्यू नॉट से, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर अगर टेस्ट चार्ज आता है तो वो टेस्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस वेयर टेस्ट चार्ज इज कैप्ट, फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहां पे अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान ले रहे हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट ए, एक पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट बी और एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं सी। ठीक है, अब हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं कहाँ पे स्टूडेंट? पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे जैसे ही रखेंगे, मान ले रहे हैं ये जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा स्टूडेंट? रिपेल करेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? बाहर की तरफ। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो यानी ये जो टेस्ट चार्ज है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पे फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ताकत कितना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर इस सोर्स चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका ताकत कितना है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है या उसका जो ताकत है, इंटेंसिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग के सामने एक नया टॉपिक क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो उसका स्ट्रेंथ है, ताकत है, यानी फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम लोग इस पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है या स्ट्रेंथ कितना है? ठीक है, तो इसका फाइंड करने का तरीका क्या है कि इस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। सोर्स ऑफ चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? एफ। अब किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। तो जिस पे लगेगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी डिनोटेड बाय ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर स्टूडेंट?
तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको केंद्र का स्ट्रेंथ निकालना है, उसका इंटेंसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे कितना फोर्स लग रहा है ना, उसको ऊपर लिख देंगे और जिस पे फोर्स लग रहा है उसको नीचे लिख देंगे। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हर पॉइंट का अगर हम अलग अलग पॉइंट लें तो अलग अलग पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा या स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अगर हम पॉइंट ए ले रहे हैं तो वहां पे फील्ड का इंटेंसिटी कुछ अलग होगा, पॉइंट सी पे फील्ड का इंटेंसिटी कुछ अलग होगा, बी पे फील्ड का इंटेंसिटी कुछ अलग होगा, है ना। तो इस पूरे रीजन में अगर हम देखें तो अलग अलग पॉइंट पे जो फील्ड का इंटेंसिटी होता है वो हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसके ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है, यानी वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर स्टूडेंट, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूनिट डायमेंशन डायरेक्शन देखते हैं ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है ना, यानी फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे अभी हम लोग देखें, ये हमारा सोर्स चार्ज था और यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसके वजह से इस पे क्या हो रहा था, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो कितना फोर्स लग रहा है, तो यहां से हम लोग ले सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट ई लग रहा है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ वेक्टर E। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए F इज व्हाट, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका एक यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक यूनिट और मिलेगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये दो यूनिट याद रखना है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो डायमेंशन कितना होगा, तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो E इक्वल टू एफ, एफ इज व्हाट, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, एम एल टी इनवर्स टू। ठीक है, और चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ए टी। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो एम है ना, एल एज इट इज रहेगा, टी ऊपर जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी टी माइनस थ्री, और ए ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर स्टूडेंट, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा या कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा स्टूडेंट, बाहर की तरफ। ठीक है, इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स के डायरेक्शन पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स के डायरेक्शन पे। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना, यानी हम इसको बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, यानी सोर्स चार्ज से क्या होगा, फील्ड दूर जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट है। ठीक, तो इस सिचुएशन में
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियली आउट आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पे देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो एक हमारा प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सोर्स आज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और अगर सोर्स आज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो, है ना, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, दूर जाएगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। क्लियर स्टैंड? तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक। और दूसरा एक फॉर्मूला भी हम लोग देखें, F इक्वल टू क्यू नॉट ए। क्लियर स्टैंड? अगर ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक, तो जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? बट अगर हमारा F इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस क्यू ई आ जाए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर फोर्स इधर है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी वो डिपेंड कर रहा है किस पे, चार्ज पे। अगर चार्ज पॉजिटिव तो दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव हो गया तो फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ई एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई चार्ज है ना, तो वो अपने राउंड क्या करेगा, एक फील्ड बनाएगा, तो उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उसका ताकत कितना है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या फिर वो जो फील्ड बन रहा है उस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए पे पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ये जो पॉइंट चार्ज है वो किसका काम कर रहा है, सोर्स चार्ज का, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं p, ठीक है। अब ये जो पॉइंट p है, इस पॉइंट p पे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं, ठीक। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेंगे क्या होगा, इनके बीच फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अब ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कौन सा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? बट हमें इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इस सोर्स चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड बना है उसका इंटेंसिटी, उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे कितना है, ठीक है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए। क्लियर है? तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ई, है ना, तो ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है स्टूडेंट। अब एफ का वैल्यू हमें पता है, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनली वी गेट ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? यानी किसी भी चार्ज पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू हमें पता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए के क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो अगर कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, ई प्रोपोर्शनलिटी वन अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ई प्रोपोर्शनलिटी वन अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है, है ना, और ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। यानी जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अगर बढ़ता चला जाएगा तो फील्ड क्या होगा, वीक होता चला जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस हमारा बढ़ते जा रहा है
सोर्स चार्ज से ये पॉइंट चार्ज पॉइंट पी जो है दूर होता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे फील्ड हमारा क्या हो रहा है, स्टैंड वीक होता जा रहा है, क्लियर स्टैंड। तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। बट इसके बाद जब ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है धीरे धीरे हमारा वीक होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। और एक समय आएगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया स्टूडेंट कि किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E = KQ/r², क्लियर स्टूडेंट।